किड्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? आज हम मैथ में चैप्टर नंबर 5, सब्ट्रैक्शन ऑफ वंस। हमने फोर्थ चैप्टर में एडिशन पढ़ा था। एडिशन मीन्स जोड़ना और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। जैसे मेरे पास 7 पेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने पेन है? 7। मैंने 3 पेन आपको दे दिए, ठीक है? और पीछे कितने बचे पेन? काउंट करो, 1, 2, 3, 4। तो सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाना, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दी हुई है, ये डॉगी कितने, पहले हम टोटल काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल डॉगी कितने हैं? 7। अब इसमें से 2 डॉगी यहाँ से चले गए, तो पीछे कितने, ये जो 2 डॉगी यहाँ से चले गए तो पीछे कितने रहे? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 7 डॉगी थे, उसमें से 2 चले गए, तो 7 माइनस, ये किसका साइन है? माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5। इसी तरह ये कैप्स टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कैप्स कितनी है? 9। अब इसमें से 5 कैप उड़ गए, ठीक है, सॉरी 6 कैप इसमें से हट गए, तो अब पीछे कितने बचे? तो 6 कैप को हम कट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 9 थे, उसमें से 6 को हमने माइनस किया है, तो पीछे कितने रहे? 6 तो माइनस हो गए पीछे, 1, 2, 3। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इसी तरह आपको ये एग्जाम्पल करना है। नेक्स्ट पेज, इसमें अब ये इस पेज में ये क्या है? 9, ये साइन किसका है? माइनस, सब्ट्रैक्शन 3। तो टोटल 9, हम 9 लाइन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 माइनस 3, अब इसमें से हमें 3 को माइनस करना है, 1, 2, 3। 3 माइनस किया, फिर कितने लाइंस बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या है? 6। इसी तरह हम ये देखेंगे, 5 माइनस 3, तो यहाँ पे हम कितनी लाइन करेंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 3। अब इस 5 में से 3 लाइन को माइनस करेंगे, 1, 2, 3, तो पीछे कितनी बची? 1, 2। ओके, अब इसमें 8 माइनस 4, तो हम टोटल कितनी लाइन करेंगे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 माइनस 4, अब 8 में से हमें 4 लाइन को माइनस करना है, 1, 2, 3, 4। 4 को माइनस किया, तो पीछे कितनी रही? 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या होगा? 4। इसी तरह आपको ये वर्क करना है। ये आपने जो ये नेक्स्ट इस पेज पे आपने लाइंस वाले फॉर्मूले से किया था, अब इसमें हम फिंगर फॉर्मूले से करेंगे। जैसे ये 4 माइनस 1, तो आप अपनी फिंगर करो, 1, 2, 3, 4। अब क्या है यहाँ पे? 4 माइनस 1, अब 4 फिंगर में से 1 को माइनस, 1 को डाउन करो, तो पीछे कितनी फिंगर रही? 1, 2, 3। तो आंसर क्या होगा? 3। ये है नेक्स्ट 7 माइनस 3, तो अब आपकी फिंगर 7 अप करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या है? 7 माइनस 3, अब 7 में से 3 को माइनस करना है, 3 को डाउन करना है फिंगर को, 1, 2, 3, ठीक है? अब पीछे कितनी टोटल रही? 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या होगा? 4, ठीक है? ये फिंगर फॉर्मूले से करना है और ये लाइन के अकॉर्डिंग करना है। मैंने आपको लाइंस और फिंगर वाले दोनों फॉर्मूले से किया है, अब आपको जो समझ में आए उससे ये वाला पूरा पेज कंप्लीट करना वर्क में, और ये वाला।